Hi kids. Hi sir. How are you? I'm fine, thank you. आज देखो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले वो है बी माई मल्टीपल एंड आई विल बी योर फैक्टर. ठीक है. अब देखो द माउस एंड द कैट, दो की लड़ाई हो रही है. किस किस की लड़ाई हो रही है? माउस और कैट. कौन किसको खाना चाहता होगा? कैट माउस को क्या करना चाहती है? खाना चाहती है उसे पकड़ के. ठीक है. लेकिन यहाँ पर एक पजल है. इस पजल के हिसाब से आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो कैट है इस माउस को कभी पकड़ पाएगी या नहीं. क्योंकि माउस को कहाँ जाना है? आपने इस बिल में घुसना है. ठीक है. और एक जो कैट है वो उसका पीछा कर रही है. अब देखो द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस. कुंजन इज नाउ ऑन द 14th स्टेप एंड इट कैन जंप टू स्टेप्स एट अ टाइम. द कैट इज ऑन द 3rd स्टेप. सी कैन जंप 3 स्टेप्स एट अ टाइम. इफ द माउस रीचेज 28 इट कैन हाइड इन द होल. अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो कैट है एक बार में कितने स्टेप्स कूद सकती है? ये 3 स्टेप्स. और जो ये माउस है ये माउस कितने स्टेप्स कूद सकता है? 2. ठीक है. लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर ये माउस 28 पे पहुंच जाए तो 28 के बाद ये सीधे कहां घुस सकता है? इस होल में घुस सकता है, बिल में घुस सकता है. ठीक है. तो हम चेक करते हैं पहले. अब देखो सबसे पहले जो ये कैट है हमारी ये 3 पे, आप कहां जाएगी? 6 पे. ठीक है. 6 फिर 9 दूसरे स्टेप में 9 12 15 18 21 24 और फिर कहाँ पहुँचेगी वो? 30 पे. 30 तो अभी यहाँ है नहीं हमारे पास. ठीक है. तो 8 स्टेप्स में ये कहाँ पहुँच सकता है? चूहे के पास. लेकिन अब हमको देखना पड़ेगा कि चूहा कहाँ पहुँचता है. ठीक है. अब देखो जो हमारा चूहा है ये अभी कहाँ पर है? 14 पे. इसने दो दो स्टेप कूदना है. कहाँ पहुँचेगा ये? 16 पे. पहले स्टेप में कहाँ पहुँचा ये? 16. 18 पे पहुँचा? 2. 20. 22. 24. 26. और 28 पे पहुँचा ये कौन से स्टेप में? 7th स्टेप में. क्लियर है? ठीक है ना. अब देखो वो बोल रहे हैं द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप्स. माउस मतलब कौन कौन से स्टेप पे जंप किया आपको पता चल गया? ठीक है. कहाँ कहाँ पे जंप किया माउस? 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28. द स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप्स. कैट कहाँ कहाँ जंप की ये भी आपको पता चल गया? 6, 9, 12, 15, 18, 21. अब देखो इसमें एक पैटर्न भी आपको दिखेगा. ठीक है. ये जहाँ जहाँ कूदी. अब देखो ये 3 का टेबल है. ये देखो 3 1 3 3 2 6 9 12 15 ऐसे है. ठीक है. और जहाँ जहाँ ये माउस कूदा होगा ये भी देखा, ये भी टेबल में आएगा. 2 की टेबल में देखो 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20 2 11 22 2 12 24. क्लियर है? कैन द माउस. अब वो बोल रहे हैं द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड माउस जंप्स. अब कैट और माउस कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पर दोनों गए? 18 पे गए. ओके. 24 द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड माउस जंप्स. ओके. ये नीचे वाला नीचे आना था. ठीक है. यहाँ पे कैन द माउस गेट अवे. वो बोल रहे हैं क्या माउस बच पाएगा? Yes, कैसे? हाँ. 7th स्टेप में क्योंकि वो 8वें स्टेप. अब 8वें स्टेप उसका 30 है. 8वें स्टेप में वो सीधे अंदर घुस जाएगा. जब तक बिल्ली कहाँ पहुँच पाएगी? सिर्फ 27 पे. ठीक है. तो इसलिए जो ये कैट है ये माउस को कभी भी पकड़ नहीं पाएगी. अब देखो आपके लिए एक दूसरा असाइनमेंट है. इफ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th स्टेप. अब वो बोल रहे हैं कि माना कैट 5वें स्टेप से शुरू करे. क्लियर है? 5वें से शुरू करे एंड जंप्स 5 स्टेप्स. और इस बार उसने कितने कितने के जंप मारने हैं सीधे? 5 5 के मतलब 5 की टेबल पढ़नी है आपको सीधे. 5 के बाद कहाँ जाएगा वो? 10 15 20 25 और 30 को मार पाए नहीं. 25 तक ही जाएगा. एंड द माउस स्टार्ट्स फ्रॉम द 8. और चूहा कहाँ से स्टार्ट करेगा? 8 से. और वो इस बार कितने की टेबल पढ़ने वाला है? देखो 4 4 की. इस बार उसने 4 4 के जंप मारने. तो 8 के बाद कहाँ मारेगा वो जंप? अब 12 वेरी गुड. 16 20 वेरी गुड. 24 और 28. अब आपको चेक करना है कि क्या वो पकड़ पाएगा या नहीं. कर लोगे? यस
सर करके दिखाओ चलो ओके okay?